ओके गाइस, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी टेट्राहेड्रल देख लिया था, स्क्वायर प्लेनर के बारे में भी कुछ चीजें जान गए थे। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले स्क्वायर प्लेनर और उसके ऊपर एग्जांपल, और नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग ऑक्ट्राहेड्रल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ। देखो, स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होते, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल होंगे। जैसे टेट्राहेड्रल में क्या था, ज्योमेट्रिकल शो नहीं हो रहे थे, ऑप्टिकल हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल नहीं होगा बट ज्योमेट्रिकल शो होगा। ऑप्टिकल क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री। ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं होंगे क्यों, यहाँ पे क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। क्यों क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एटम का पोजिशन चेंज करोगे ना, तो रिपल्सन जो होगा चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी, है ना, देखना, एक सेकंड, है ना। देखो, ये हमारा सेकंड और ये हमारा फर्स्ट है। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे ए और यहाँ के बीच में मान लो कोई एक डिस्टेंस होगा, है ना, एक्स होगा, और यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, क्या वही रिपल्सन इसके और इसके बीच में होगा? नहीं ना, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ गया ना, नमस्कार, तो रिपल्सन चेंज, पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज, डिफरेंट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी हमारी, चेंज, चेंज हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग सिस बोलते हैं, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड प्रेजेंट हो जाए उसे हम लोग ट्रांस बोलते हैं, है ना। ये तो काफी इजी है, ये तो हम लोग जब छोटे, रिपल्शन वाला थोड़ा सा समझा दीजिएगा। रिपल्सन देखो, यहाँ पे जो रिपल्सन होगा, मान लो एक्स है और ये वाई होगा ना, ये मान लो वाई है डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे जो रिपल्सन फेस करेगा लिगेंट, है ना, तो क्या वही रिपल्सन यहाँ पे भी फेस करेगा ए, या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा ना, क्यों, अलग क्योंकि एक्स जो है वाई के बराबर नहीं है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिस्टेंस पे हम लोग डिफरेंट रिपल्सन फेस होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। ओके, ओके सर, जितना जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें रिपल्जन ज्यादा होगा, जिसका कम कम होगा होगा उसमें ना रिपल्जन कम होगा, है ना सर? ये भी बता सकते डिस्टेंस, हैं। रबर जितने केबल कौन सा होता है, सिस वाला ट्रांस वाला? कौन सी वाली ट्रांस, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इन दोनों में से? ट्रांस जनरली स्टेबल होता है ज्यादा, ड्यू टू लेस रिपल्सन। यहाँ पे रिपल्सन लेस है ना, लेस यस रिपल्सन सर। होता है यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम होता है ना। ओके, आगे चले हम लोग। सर बोलो। सर जी, आपने बोला कि रिपल्जन मतलब हम डिस्टेंस से भी बता सकते हैं कि रिपल्जन इसमें ज्यादा है तो इसमें कम है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, डिस्टेंस देख लो, जिसमें ज्यादा रिपल डिस्टेंस होगा रिपल्सन तो कम होगा ना, अंचित है, हाँ सर, बोलो, ठीक है। हाँ सर, कम होगा। और सर आपने जो LEN लिखा है वो छोटा सा, वो क्या लिखा है? लेस ओके सर, स्टेबल लेस है है, या लेस पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबल ज्यादा होगा, मोर स्टेबल, यस ठीक है। अब सर, देखो इसमें कुछ एक ऑप्टिकल एंड कॉन्सेप्ट इनर। क्या, यहाँ पे नो, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। जैसे टेट्राहेड्रल में वहां पे क्या था, ज्योमेट्रिकल नहीं था, स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री, यहाँ पे सिमिट्री आ जाती है, ठीक है। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे, जिससे आप लोग ये फाइंड कर सकते हो आपको कितना ज्योमेट्रिकल मिलेगा, कितना ऑप्टिकल मिलेगा। मोस्टली कुछ कुछ केस है जो आपको याद भी करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। देखो आप यहाँ पे, है ना, ट्रांसपेयर क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्ट्राहेड्रल में भी, है ना। देखो, ट्रांस पेयर का मतलब ऐसा पेयर जो एक दूसरे से अपोजिट हो। जैसे हम लोग को डिफरेंट ट्रांस पेयर बनाना होगा। अगर आपके पास ए टू बी टू है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास दिया हुआ है ए ए और आपको दिया हुआ है बी बी, है ना, ठीक है। तो आप कितना डिफरेंट पेयर बना सकते हो, बनाओ यहाँ पे। मैंने बोला कि ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट बी है, बी ट्रांस बी मीन्स बी के अपोजिट बी हो गया।
सेकंड पेयर क्या हो सकता है हमारा, ए बी और ए बी ए, हाँ या ना बोलो, हो सकता है कि नहीं बताओ। हाँ सर, तो यहाँ पे हमारे कितने डिफरेंट पेयर प्रेजेंट हुए, दो, वन एंड टू, दो डिफरेंट पेयर हुए। तो जितने डिफरेंट पेयर होते हैं उतने ही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, देखो आप लोग, मान लो हमारा मेटल है, ये बोल रहा है कि ए के अपोजिट ए है, मीन्स यहाँ पे ए है तो ए के अपोजिट ए आएगा, बी ट्रांस बी मीन्स बी के अपोजिट बी, अगर ये बी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी, फिर ये क्या बोल रहा है, ए के अपोजिट बी आना चाहिए, तो आपने मेटल ले लिया, यहाँ पे ए है और ए के अपोजिट क्या बोल रहा है, बी, ये क्या है हमारा ए है, तो यहाँ पे ए हो गया, ए के अपोजिट क्या बोल रहा है, बी, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका हो गया, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट वाला, ये हो गया हमारा ट्रांस, ये क्या हो गया हमारा, देखो सिस, ठीक है, समझ गए। तो दो पेयर हुआ, दो डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, दो, है ना, टू सर। समझ रहे हो ना आप लोग, हाँ बोलो, ठीक है, आगे चले हम लोग। सर ये ट्रांस सिस पेयर हो गया ना, ट्रांस सिस पेयर, क्योंकि ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला सिस है। हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया ट्रांस और सिस, ओके ना ना, ट्रांस पेयर सर। एक मेथड है जिससे हम लोग ये फाइंड करें कितने ज्योमेटिकल और कौन सा पेयर ऑप्टिकल होगा, इसे ये कंपेयर ना करो इधर से, ये अलग चीज है ना, ठीक है, हाँ मतलब वो ट्रांस पेयर अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये तो ओके आइसोमर सर। है ना, ट्रांस आइसोमर, ठीक है, ये सिस अगर आइसोमर, सर ट्रांस का इससे मतलब, बहुत हाँ ज्यादा एलिमेंट होते सर, अगर बहुत हाँ सारे एलिमेंट होते, चार चार होते, तो उसमें पांच पांच ग्रुप बन पांच चार ग्रुप बन जाते फिर। जैसे चार अच्छा, आप बोल होते रहे ए हो फोर कि बी ए फाइव, फाइव ए फाइव, हाँ सर हाँ ए फाइव बी नो, फाइव तो पांच बन जाते ना सर। ए फाइव तो होगा नहीं, पहले ए फोर होगा ना, यहाँ पे ए फोर में कितना पेयर बनेंगे डिफरेंट, बताओ आप ही बताओ, और कोई डिफरेंट पेयर बन सकता है, नो सर इज दिस नहीं सर, पॉसिबल, तो यहाँ पे जी आई, मैं बोल रहा हूँ ए नहीं, फोर बी फोर मेटल लिगेंड वो तो ए आए फोर बी फोर आएगा ना, ये बन ए सकता फोर है ना। बी फोर, और ए फोर बी फोर तो हम लोग को पढ़ना भी नहीं है, क्यों सिलेबस ही भी सर, नहीं है, ए फोर बी फोर का मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे बताओ, लिगेंड आठ हो एट गए, आठ पढ़ना है, एट हम लोग ए थ्री बी थ्री ओके पढ़ेंगे, ठीक है, अब बताओ अगर यहाँ पे देखो सभी लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए टू बी सी, डिफरेंट पेयर सभी लोग बनाओ, अपने से बनाना है ना, यहाँ तो मत देखो, सभी लोग अपने से बनाओ और बताओ क्या ये दो डिफरेंट पेयर ही बनेंगे, हाँ या ना, या इससे ज्यादा बनेंगे, इससे ज्यादा बनेंगे बताओ जल्दी, सभी लोग ए टू बी सी का डिफरेंट पेयर बनाओ, ये अपनी फर्स्ट पेयर हो गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्या सब किसी का थर्ड भी पेयर आ रहा है, थर्ड बोलो, किसी को थर्ड पेयर भी मिल रहा है सर। बताओ, सभी लोग ध्यान से देखो क्या मिल रहा है, सर एक एग्जांपल लेकर कीजिए, अच्छा चिराग ये एग्जांपल ही है, चिराग यहाँ पे ए क्या, मान लो यहाँ पे Cl2 ले लो, चिराग ये सभी एग्जांपल ही है, क्वेश्चन नहीं है ये सब, ए क्या है, कोई एक मोनोडेंटेड लिगेंड ले लो, मान लो Cl2 ले लो, Br2 ले लो, ए की जगह Cl रख दो, बी की जगह Br रखो, ठीक है, या आप लेना चाहते हो NH3 ले लो, सभी क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो भी मोनोडेंटेड होंगे, और मान लो H2O ले लो, ये सभी एग्जाम्पल ही हैं चिराग, आप सबको पता है ना, ए ए क्या है, मोनोडेंटेड, ठीक है ना, अब बताओ इसमें आप लोगों का कितने डिफरेंट पेयर बन रहे हैं बताओ, दो बन सकते हैं सर, दो दो बन रहे हैं सर। ही ना, कोई किसी को तीन तो नहीं बन रहा है ना, नो, नो सर। तीसरा बनेगा ही नहीं, तो दो पेयर बन रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, दो, ठीक है ठीक दो है ठीक है, यह फर्स्ट वाला देखो, एक ए ट्रांस ए मीन्स ए के अपोजिट ए, ठीक है, ये हो गया हमारा, फिर क्या बोल रहा, बी ट्रांस सी, बी के अपोजिट सी होनी चाहिए, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा, ए के अपोजिट अपनी बी आनी चाहिए, ए के अपोजिट अपनी बी होगी, ठीक है,
ए के ऑपोजिट सी आनी चाहिए, ए के ऑपोजिट सी होगी, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी टू। ठीक है आगे चलते हैं, है ना। ठीक है इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा ना सर? सिस ट्रांस उसी समय बोलेंगे जब दो पेयर हो, है ना, दो सेम ओके सर बस ज्योमेट्रिकल होगा, ओके ज्योमेट्रिकल का ई जेड भी होता है, बहुत सारे चीज होते हैं ना। ठीक है अब आओ यहाँ पे सभी लोग ध्यान सुनना, यहाँ पे तो लिखा हुआ ये नहीं कि सही भी हो गलत भी हो सकता है ना, आपको अपने से भी सर चेक करना है, ये ना सोचो। ट्रांस मतलब अपोजिट अपोजिट में होता होगा है ना हाँ ट्रांस? ट्रांस का मतलब अपोजिट, दोनों ग्रुप अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे कितने डिफरेंट पेयर बना सकते हो आप लोग? मैंने हमसे तू कितना बना, 1 2 3, तीन ही बनेगा ना, किसी से चार बन रहा है तो बताओ, है ना। ये ना सोचो कि सर तीन बनाए तो सर का सही होगा, नो ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा एग्जांपल आएगा जहां पे मैंने गलत भी किया हूं, है ना। तो ये ना सोचो कि सर तीन लिखे तो तीन ही आएगा, सभी लोग बताओ क्या तीन आ रहा है या चार आ रहा है आप लोगों का, 3 या 4, टेल मी। गुड मॉर्निंग आकाश, ये आ रहा है सर कोई है जिसका 4 आ रहा है? सभी लोग अपने कॉपी में ट्राई करो जरूर, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये करने आ गया तो आपको 95% क्वेश्चन सही कर जाओगे, 5% जहाँ एक्सेप्शन होगा, जहाँ पे कुछ चीजें, जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा, वही जो है हम लोग स्टार मार्क से याद कर लेंगे उसे, है ना, स्टार मार्क कर लेंगे और उसे याद कर लेंगे। ठीक है यहाँ पे कितना पेयर बना, तीन, बस ज्योमेट्रिकल कितना हो जाएगा, 3, काम खत्म, है ना। कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो सबको पता है, ए के ऑपोजिट बी है, ए के ऑपोजिट बी हो गया हमारा, सी के ऑपोजिट डी है, सी के ऑपोजिट डी हो गया, ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, ए के ऑपोजिट सी बोल रहा है तो ए के ऑपोजिट ये सी हो गई, बी के ऑपोजिट डी तो बी के ऑपोजिट डी, तो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, सिमिलरली ये इसका हो जाएगा। ठीक है ए के ऑपोजिट डी बोल रहा है, ए के ऑपोजिट डी हो गया, आ बी ट्रांस सी, बी के ट्रांस सी हो गया। ठीक है तीन बन गए जी आई। अब इसमें बताओ इसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना होगा, पॉसिबल पेयर भी बताना है ना, स्ट्रक्चर भी बताना पेयर भी। ठीक है ए क्या है हमारा, बाइडेंटेट लिगेंट है, सिमिट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंट। ठीक है जैसे ये नहीं थायलिन डाइअमीन सिमिट्रिकल है ना, ये समझ जाओ कि एम ई ऐसे होगा, मान लो अगर आपसे ऐसे दे दे एम ई एन सी एल टू। ठीक है ये सभी सर पिछले एग्जाम्पल वाले हैं। एग्जाम्पल में डाउट हाँ बोलो, है सर, उसमें ए बी बी सी सी डी डी क्यों नहीं बना? कैसे बोल रहे हो, बोलो, ए ए बोल रहे हो सर ना आप, मुझे यस सर बी बी और सी सी और डी डी, यस अच्छा सर आप ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लिगेंड है आपके, आप बोल रहे हो ए टू बी टू सी टू डी टू, इसका बोल रहे हो ना आप, 1 2 3 यस सर सिक्स एट। अच्छा हम लोग तो 4 ही बात कर रहे हैं ना, हम लोग स्क्वायर प्लेनर बात कर रहे हैं ना गाइस, ये तो स्क्वायर प्लेनर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ओके कितना होगा इसका, 4 ही होगा ना, 4 से ज्यादा तो होगा नहीं, है फोर बस यस ना। सर ठीक है आगे चलो। ओके सर ठीक है इसमें कितना पेयर बनेगा सबका बताओ, सभी लोग ट्राई करो कितने पेयर बन रहे हैं आप लोगों के, 2 3 4 5 6 कितने बन रहा था, किसी को किसी का 2 बन रहा है या 1 बन रहा है बताओ, सर 2 बन रहा है सबके 2 दो ही बन रहे हैं ना। बन रहा है सर दो ठीक है एक बनेगा ना सर अच्छा किसी का 1 बन रहा है, देखो सभी लोग ट्राई जरूर करना, अगर आपने ट्राई नहीं करा तो आपको डिफिकल्टी आएगी, इसीलिए सभी लोग अपने से ट्राई करते रहो यहीं पे, है ना। जैसे किसी ने बोला 1, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ ए, और ये बी टू मीन्स बी बी है ना, तो 1 तो आपका सिंपल ए ट्रांस ए, किसी ने बताया वो सही था, किसने 1 बोला ना उसी का आंसर सही होगा, है ना, बी बी।
क्या होगा वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। देखो कैसे, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो लिगेंट एक ही है ना, ठीक है, यहाँ पे लिगेंट एक ही है, वो भी लिगेंट कौन सी है हमारी, बाइडेंटेट, कौन सी, सिमिट्रिकल, है ना। तो ए दूसरा, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये भी तो हो सकता है ना, हाँ ठीक है सही हो आप, ये भी हो सकता है। देखो होने से और देखने में अंतर है ना, होने में और देखने में अंतर हो जाता है, ठीक है ना, होने और देखने में अंतर आ यस जाएगी। देखो कैसे आ रहा है, फर्स्ट ड्रॉ करोगे आप, ये क्या बोल रहा है, इस जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या मतलब अपना ट्रिक समझो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, अपनी जो ट्रिक है क्या आएगी, ए ट्रांस सर, ए, इसका मतलब ये हुआ ए के ऑपोजिट क्या आएगी, हमारी ए आएगी, तो ए की ऑपोजिट ए आप लोग करो यहाँ पे, ये हो गया हमारा ए, इसकी ऑपोजिट ए आनी चाहिए, है ना। ये क्या बोल रहा है, बी के ऑपोजिट बी, ठीक है, यहाँ पे बी रख दिया मैंने और बी के ऑपोजिट बी कर दिया। और आपको पता है कि बाइडेंटेट लिगेंड के लिए हम लोग ज्वाइंट का भी यूज करते हैं ना, ऐसे ज्वाइंट करेंगे ना हम लोग, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड तो ऐसे ही ना रिप्रेजेंट करते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्सा, सबको, है ना, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये जो रिंग बन रहा है 1 2 3, क्या स्टेबल है, ऐसे रिंग बनता है कभी, क्या ये एंगल पॉसिबल होगा 180 डिग्री, बीच में 180 डिग्री भी हो और ट्रायंगल भी बन जाए, कभी ऐसा सुने हो कि ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री आ गया, बोलो, जो जिन लोगों को आंसर दो हाँ सर, है वो लोग बताओ, स्क्रीन फ्रीज नहीं हो आ रहा गई था है ना, सर, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहे, सर अब नहीं दिखते दिख रहा क्या, है स्लाइड। हाँ सर, सर एक बार दोबारा से समझा दीजिएगा। अब आया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना, तो कुछ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है ना। आप दिख रहा है ना सबको, यस सर, आप सबको दिख एक रहा बार है, दोबारा से बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा आकाश को दिख रहा था, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आया था आप लोगों, देखो है ना, तो सर ये जो फर्स्ट पेयर का मैंने, हम लोग क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, अगर किसी को ना दिखे उसी समय बोल दिया करो, ठीक है, उसी समय अपने आप को अनम्यूट करना है ना। तो ये क्या बोल रहा है, एक ट्रांस है, मीन्स ए के अपोजिट ए आएगा, ए के अपोजिट ए आ रहा है, ये क्या बोला, बी के अपोजिट बी आना चाहिए, बी के अपोजिट बी आना चाहिए, बट हमें क्या पता है ए जो है बाइडेंटेट लिगेंट है, तो अगर ए बाइडेंटेट लिगेंट है तो ए को आप कनेक्ट करोगे ना ऐसे, है ना, दोनों ज्वाइंट होगा, बाइडेंटेट है तो आप लोग ये बताओ क्या 180 डिग्री पॉसिबल है, ये जो 1 2 3 जो 3 मेंबर रिंग बन रहा है, क्या ये पॉसिबल है ट्राइंगल के अंदर नो 180 डिग्री, सर, कहीं सुने हो आप लोग, पॉसिबल ही नहीं। नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो इसे आप लोग बना के ऐसे क्रॉस कर देना, लिख देना नॉट पॉसिबल, पॉसिबल सर ही नहीं क्यों है। नहीं पॉसिबल? अच्छा ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री बनता है, नो सर, सर यहाँ पे तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ तो वो अच्छा कौन बोल दिया, 109 कौन बोल, 90 डिग्री एंगल नो बन रहा है। नो 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 नो, 109 डिग्री वो अलग चीज है, अगर यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, ये तो ये दोनों डोनर है, ये दोनों डोनेट कर रहा है, यहाँ पे देखो रिंग बना ना, ये हमेशा बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे ही आएंगे ज्वाइंट में, मोनोडेंटेड नहीं है, तो बाई याद रखना बाइडेंटेड लिगेंड जो है कभी भी ट्रांस पोजिशन में नहीं आएंगे, सेम लिगेंड, सेम बाई डेंटेड लिगेंड के दो डोनर होंगे, दोनों डोनर अपोजिट नहीं आएंगे, ट्रांस पोजिशन में दोनों डोनर एटम नहीं आएंगे, याद रखना, डोनर शुड बी प्रेजेंट एट सिस पोजिशन नॉट एट ट्रांस पोजिशन, तो यहाँ पे जो ए ए डोनर है बाइडेंटेड का, यहाँ पे ट्रांस पोजिशन पे है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर से बता, समझ में नहीं आया।
मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये बाई डेंटेड लिगेंड है ना, ये तो पता है ना आपको, ए है ना। तो बाई डेंटेड लिगेंड पे मान लो कि यहाँ पे दो डोनर साइट है। बाई डेंटेड का मतलब क्या हुआ, दो डोनर, टू डोनर है ना। तो ये दोनों डोनर जो हैं ट्रांस पोजिशन में नहीं आएंगे कभी, पॉसिबल ही नहीं है, ट्रांस में नहीं आ सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये तो ट्रांस में आ रहा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांस हो गया ना। तो जब आप इसे कनेक्ट करोगे, दोनों को जोड़ोगे ऐसे, तो ये तो ट्रांस, ये पॉसिबल है रिंग, नहीं पॉसिबल है ना, कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ। नो क्यों नहीं तो ये पॉसिबल है गलत, ट्रांस वाला? ट्रांस वाला इसलिए नहीं पॉसिबल है, क्या ट्रायंगल में कभी भी 180 डिग्री बनेगा? ट्रांस का मीन्स क्या हुआ, 180 डिग्री अप्रोक्स, अपोजिट साइड पॉसिबल है। यस सर समझ आ गया। हाँ हाँ समझ गया। समझ गए ना। तो 180 डिग्री मतलब कभी बनेगा ही नहीं, ऐसा सर कि सीस बनाएगा सर बाय डेंडेट। हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा दोनों ही ओके सर सिस पोजीशन में ही आएंगे, ठीक है। हमेशा सिस पोजीशन में ही दोनों ही डोनर जो होंगे बाई डेंटेड के, सिस पोजीशन में ही आएंगे। जैसे आप लोग इसका देखो एग्जांपल, ये सेकेंड वाला जो पेयर था अपना, ये क्या बोल रहा है, ए ट्रांस बी, मतलब अगर यहाँ पे ए है, इसके ट्रांस में पोजीशन क्या आ जाएगी, बी आएगी। ये क्या बोल रहा है, ए ट्रांस बी, अगर मान लो यहाँ पे ए है, इसके अपोजिट बी आएगी। तो ये तो पॉसिबल है ना, यस ठीक है। तो यहाँ पे सर कोई, तो यहाँ पे क्या होगा, नो जी आई, ठीक है, कोई जी आई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पेयर ही एक ही है, एक ही पेयर है, दो पेयर होगा तब ना होगा, ठीक है। एक पेयर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल सिंगल पेयर ये पॉसिबल है, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है सर पेयर, ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है। ये सब नोट डाउन करना है। नोट डाउन, हाँ नोट डाउन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सर बोलो। तो सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक ही होगा फिर? नहीं होगा ना, कैसे होगा, हमारा ट्रिक क्या था, जब दो आएगा तब ओके तो सिंगल में क्या आइसोमर है वो सर बताओ, पेयर में नहीं, पेयर में ही नहीं ना। पेयर में नहीं। ओके हाँ तो सर एक चीज नोट करना कि सर बाई पेपर डेंटेड में भी लिगेंड, होगा कि क्या बोलो, पेयर में बताओ सर? मैं पूछ रहा हूँ कि पेपर में भी यही होगा कि पेयर में बताना है हमें? आपको पूछेगा कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा, बोलोगे जीरो, ओके सर ठीक है। देखो डोनर बाई डेंटेड लिगेमेंट जो होते हैं हमेशा कहाँ, कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, सीस, ठीक है, ये याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाई डेंटेड लिगेंट जो होंगे हमारे हमेशा सीस पोजीशन जो होगा उसी को ऑक्यूपाई करते हैं, ट्रांस में नहीं, ठीक है, ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, जब बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा वहां पे तो वो पॉसिबल भी नहीं है ना। अब चलते हैं, हमारे पास अगर दिया हुआ है ए बी सी, तो कितने डिफरेंट पॉसिबल पेयर बन रहे अपना, सभी लोग इसका बनाओ, कितने डिफरेंट पेयर बनेंगे, दो बनेंगे कि एक बनेंगे बताओ, सभी लोग कितने पेयर बन रहे हैं आप लोगों का। एक ही बनेगा ना? एंगल स्ट्रेन का मीन्स, अगर मान लो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री और हो रहा है कितना 180 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन हो गया ना। ऐसा सोचो कि आपका हाथ जो है 180 डिग्री तक जा सकता है, 90 डिग्री तक, अगर कोई आप जीते आपका हाथ लेके पूरा पीछे घुमा दे तो कैसा होगा, बनेगा सर? क्या नो घूम पाएगा, वो तो टूट जाएगा, सर है ना, ठीक है। मतलब कितना जहां तक पेयर जा बनेंगे, सके सर जहां तक जा सके वो एंगल स्ट्रेन जहां तक पॉसिबल हो वहां तक जा सके, मतलब कि जहां तक वो स्टेबल हो, उससे ज्यादा करोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। ओके सर मतलब जहां स्टेबल हो वो एंगल स्ट्रेन होगा सर। एक बार अभी ऊपर करना स्टेबल का मतलब ये हुआ कि वहां पर एंगल स्ट्रेन कम है,
ठीक है अंचित, अगर आपका हाथ कोई लेके पीछे पीछे घुमा दे तो क्या आप स्टेबल रहोगे, चुपचाप बैठे रहोगे? नो सर। नहीं ना। ठीक है, अब इसका बताओ, इसमें कितने पैर बनाए सब? वन वन सर। पॉसिबल नहीं होगा, क्रॉस। ठीक है, अब आप लोग इसका बताओ, इसमें इसमें कितने पैर बन रहे सबके? सर ऊपर थोड़ा सा कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड वाला को बताओ, MABC2। ए बी क्या है? बाइडेंटेड अनसिमिट्रिकल लिगेंड, अनसिमिट्रिकल है ये। ठीक है, कलर नहीं दिखाई दे तो रहा सर, ब्लू है ना सर? हाँ, MABC2 नहीं दिख रहा, MABC2। ब्लू कलर है सर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाँ, नहीं दिख एब्जॉर्ब हो रहा, रहा है सर। एक नो सेकंड, सर। एक सेकंड। है ना, यहाँ पे हमारा MABC2 कितने पॉसिबल होंगे पेयर बताओ? सभी लोग बताना, यहाँ पे पेयर कितनी पॉसिबिलिटी है पेयर की, सभी लोग ट्राई करो। सर कलर से लिख दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा। लिख दिया मैंने MABC2। सर दिख स्क्रीन नहीं रहा है फ्रीज हो सबको? गया, सर फ्रीज हो गई सर स्क्रीन। हाँ सर सर अब हो वन गया। यस फ्रीज सर। आ गई सर। हो रहा है, एक सेकेंड, अरे एक पॉसिबल एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सर, वो जूम करने से दिखता है बट नॉर्मल है। अच्छा, एक सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, एक सेकेंड। है ना, ठीक है, अंचित दिख रहा है आपको एवरीवन? ठीक यस सर। है, कितना पॉसिबल है बताओ? टू सर। सर अच्छा, कैसे? टू? वन। टू कैसे पॉसिबल है आपके बताओ? टू अगर नो सर, वन ए नहीं होगा, सी टू नहीं होगा, बी सी यही होगा ना? यस सर। और आप फिर समझ गए, आप इसको बी और इसे भी काउंट कर रहे हो, है ना अंचिते? अभी मैंने बताया, सी। यस सर, उस समय वो गलती से सर ए बी और क्या सी बोलो सी यहाँ का पे, काउंट कर ऐसे लिया क्रॉस करो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जिन लोगों ने टू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने देखा ही नहीं, ये क्या है, बाई डेंटेड लिगेंड है, और सर। दोनों ही डोनर सेम है। सर ये बोर्ड्स में भी ऐसे ही हैं और गेम्स में भी ऐसे ही हैं। बोर्ड में यहाँ पे ए बी की जगह लिख देगा, मान लो कि ग्लाइसिनेट, GLY लिख देगा, बस अंतर क्या होगा वहाँ पे? जो मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, MGLY लिख देगा, मेटल कोई सा भी, मान लो कॉपर ले लिया, GLY लिख दिया, और यहाँ पे Cl2 कर दिया। अब पूछ देगा कि आप ये बताओ इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, मेटल मान लो कॉपर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए है ना? ओके ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, या बोल सकते हो ड्यू टू ट्रांसपेयर। ठीक है, ये पॉसिबल होगा तो एक ही है, केवल एक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अब आओ इसमें, आओ सभी लोग, इसमें कितना पॉसिबल है? वन सेकेंड, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। MABCD है, क्या है? MABCD है हमारे पास, है ना, MABCD। इसका बताओ, सभी लोग ट्राई करो अपने से, है ना, MABCD में नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर बताओ सभी लोग। MABCD दोनों क्या है? अनसिमिट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सभी लोग ट्राई करो ऑन द
पेन कॉपी लेकर सभी लोग ट्राई करना है ना, तभी आप जाके ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इजी हो जाएगा आपके लिए। आइसोमर जो आपको डाउट आ रहा था सबको अब क्लियर हो जाएगा, है ना। टू आ रहा है ना, टू निकिता सर, आकाश का दो आ रहा है, ठीक है देखते हैं हम लोग, है ना। दो दो आ रहा है सर। ठीक है ट्राई करते हैं, है ना। एक क्या हो सकता है ए सी, दूसरा क्या हो सकता है बी एंड डी, है ना। ACBD और क्या हो सकता है, ए और के साथ डी डाल दिया मैंने, AD और ADBC हाँ और क्या हो सकता है, बी के साथ सी कर दिया मैंने। कितने पॉसिबल है, दो, ठीक है तो दो पॉसिबल है तो टू आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, क्यों ऑप्टिकल चेक ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो आप, ऑप्टिकल तो चेक ही नहीं करोगे यहाँ पे, ऑप्टिकल सर ऑलरेडी जीरो है क्लियर में तो वन लिखेंगे ना इसमें, सर, ये 3 हो जाएगा ना टोटल एक और टू ही है, दो ही है ना। ना सर। एबी इसको भी वाला काउंट कर रहे हो क्या आप, एडी इसको क्यों वाला काउंट कर रहे हो आप, इसको क्यों काउंट करोगे, ये तो दिया हुआ है, हम लोग पेयर बना रहे हैं। अच्छा इसको भी काउंट कर रहे हो बैठ के आप, अच्छा नो सर, मैं ये बोल रहा था पेयर में अगर दो चीज है तो उसको वन काउंट करते ना। सर कौन सा, नहीं समझा फिर से बोलो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जब दो डिफरेंट पेयर बनेगा ना तभी जीआई होगा, दो बन गया ना यहाँ पे पेयर, दो डिफरेंट पेयर, मतलब अगर कोई हमें कंपाउंड दिया हो और पूछे कि जितनी इसके पेयर्स कितने हैं बनेंगे कितने हमें वाले, उतनी लिखनी है, तो दो ही वन है डन नॉट एक बार, पॉसिबल। क्या क्या फिर से बोलना। सर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अगर कोई कंपाउंड दिया जाए कि इसके कितने आए दो हमारा, तो आप वो इसको 2 बोले या 3 बोले, फिर दो ही बोलोगे ना, तीन थोड़ी बोलोगे, मतलब उसको ना मिला है जो दिया गया हमें। नहीं नहीं उसको क्यों काउंट करोगे, वो तो ऑलरेडी गिवेन है, उसको क्यों काउंट करोगे आप, उसको काउंट करोगे तो उसको काउंट आप करके क्या मिलेगा आपको, उसको क्यों काउंट करोगे, उसको फाइंड करोगे ना कितना आपको डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये पॉसिबल है, आप लोग बार बार गलती कर रहे सर हो, मैं ये पूछ रहा ठीक था है ना, ड्रॉ जैसे करो। हमें अगर 4 ज्योमेट्रिक देखो देखो नहीं 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 वो सही है, वो सही है। देखो अगर ये दो ही पेयर है ना, अगर आप ये बोलो सर ये भी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है आप ही बताओ, ठीक है फिर से बना रहा हूँ मैं। अंचिते किसने पूछा, अंचिते अपने, नो सर, सत्यम ने पूछा है। ठीक है देखो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ ना, ये कैसे पॉसिबल होगा, मान लो इसको काउंट भी कर लोगे आप तो कैसे होगा। मैं वो नहीं बोल रहा सर, हाँ अगर ये पेयर है मान लो, हाँ ठीक है पेयर में लोग है तो ये पॉसिबल भी तो होना चाहिए ना, बनाओ ए ट्रांस बी, ये होगा कभी, पॉसिबल ही नहीं है डाउट डिफरेंट ये है सर। पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलो, सर मैं ये पूछ रहा था जो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखने रहते हैं उसमें जितने हम काउंट करते हैं उतने नंबर हमें लिखने रहते हैं। हाँ जितने डिफरेंट पेयर बनेंगे आपको, ये भी तो एक पेयर है, वो सही है आप सही बोल रहे हो पेयर है, बट ये पॉसिबल ही नहीं हुआ ना। सर एक क्वेश्चन है इसमें, आपने बोले पॉसिबल नहीं है लेकिन ए ट्रांस सी है जैसे, है ना, वो भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो हाँ ए ट्रांस सी भी तो सर वो है ना, कि नहीं होगा ना, मतलब वो ये गिवन को होगा, देखिए सर क्यों होगा, कि वो होगा, वो होगा, वो होगा, क्यों होगा बता रहा हूँ देखो। चलो ठीक है, ठीक है आप जो बोल रहे हो मान लेते हैं, आप सही बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है मान लेते हैं, है ना। आप जो बोल रहे हो हम लोग मान लेते हैं वो सही है, तो सही है तो फिर सर स्ट्रक्चर भी तो बन। हाँ बोलो, ये ए और बी तो बाइडेंडेंट लिगेंड के जो डोनर एटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हाँ आप, हाँ वही डोनर एटम है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला क्या कि हाँ अंतिते आप बोल रहे हो कि ये जो होगा ये गलत है ना। हाँ देखो नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने ये हम जो हमें गिवन दे रखा है हम उसको उसके हिसाब से एंगल स्ट्रेन है वो बनाएंगे ड्रॉ करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस हाँ ए बी तो यही लिगेंड है ना, अरे ओके गिवन सर, यही है ना। अच्छा बस ए बी लिगेंड मान लो कि आपको मेटल दे दिया, क्या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, क्या 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 था याद है,
ग्लाइसिनेट थे और डीएमजी थे ना, यस सर, बोलो। और आपसे ये पूछ देगा, मेटल मान लो यहाँ पे निकल दे दिया है ना निकल, और आपसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ आइसोमर बताओ, स्टीरियो आइसोमर। पहले क्या बोलोगे, ऑप्टिकल तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अब जीआई निकालोगे, आपको जीआई कितना आ रहा है, तो फिर आप देखो अच्छा ये तो ग्लेसिनेट है, सर ने बताया था इसे मानो, हम लोग मान लेते हैं मेटल निकल को एम मान लोगे, ग्लेसिनेट आप मान लिए कि अनसिमेट्रिकल होता है ए भी मान लोगे, डीएमजी भी आपको पता है अनसिमेट्रिकल होता है तो ए भी मान लीजिए इसको, एसी मान मीन सी डी मानोगे अलग है तो ठीक है, इसको क्या मानोगे सी डी है ना। अब आप पेयर बनाना स्टार्ट करोगे, अगर आप इसी को एक पेयर मान लोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, पेयर तो है लेकिन पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि ए के ट्रांस बी क्या होगा नहीं ना, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ये हमेशा क्या होगा सिस में प्रेजेंट होगा दोनों, तो डिफरेंट पेयर क्या हो जाएगा ए सी ए डी ठीक है। दूसरा पेयर क्या हो सकता है बताओ, एडी वन सेकेंड, सी नहीं होगा ये, बी डी होगा, फिर कौन सा होगा हमारा ए डी और बी सी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ए बी सी डी नहीं दिया रहेगा, और दे भी देगा तो वो बोल देगा कि ए बी जो है बाइडेंटेट अनसिमिट्रिकल लिगेंड है ठीक है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, और आपको इसको इधर ऐसे कन्वर्ट करोगे और ऐसे आंसर फाइंड करोगे ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी भी किसी को डाउट है सर, बताओ, हाँ अनसिमेट्रिक बोलो। मतलब हाँ जिसका बीच से काटोगे ना उसको, तो दोनों इक्वल पेयर में नहीं डिवाइड होंगे, अनसिमेट्रिकल का ओके मतलब ये होगा है ना। ओके ठीक है, तो सर, ऑप्टिकल क्यों नहीं है? प्लेन ऑफ सिमिट्री है ना, तो स्क्वायर पे लेना रहा है ना ये, अभी तो स्क्वायर पे लेना चल रहा है ना ये, तो ओके सर, स्क्वायर पे लेना में ऑप्टिकल होगा ही नहीं कोई, जब भी होगा ज्योमेट्रिकल होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा है ना ठीक है। फाइन आगे चले हम लोग, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे फर्स्ट का देखो क्या बोल रहा है कि ए ट्रांस सी, ए के अपोजिट क्या होना चाहिए सी है ना, ए के अपोजिट सी कर दिया आपने, बी ट्रांस डी, ये बी हो गया इसके ट्रांस डी, बट हमारी जो लिगेंड थी वो क्या थी ए बी थी है ना, हमारी लिगेंड क्या थी ए बी थी और सी डी थी ना, तो ए बी सी डी को ज्वाइन करो आप ठीक है, कौन कौन सा था ए बी और सी डी लिगेंड था, तो इसे ज्वाइन करो ए बी और सी डी, ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों क्या है सिस में है ना, ये ड्रॉ करो, टू टू कैसे ड्रॉ करोगे, मेटल ए, ए के अपोजिट क्या है हमारा डी है ठीक है, फाइन और क्या दिया हुआ है और बताओ, के बी के अपोजिट क्या है अपोजिट सी, बी के अपोजिट क्या है हमारा सी है, लिगेंड क्या क्या था ए बी और सी डी था, तो ए बी हो गया हमारा ये सी डी हो गया, ये तो पॉसिबल है ना दोनों, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ जी आई कितने होंगे दो ठीक है। फाइन गाइस आगे चले, ये पॉसिबल नहीं है, ये पेयर जो है लिख लो यहाँ पे थ्री पेयर ऐसे ए बी सी डी, अगर आपको बार बार डाउट आ रहा है ये पॉसिबल नहीं है ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल भी समझ जाओ ना, क्योंकि ए अपोजिट बी हो गया ना, और सेम लिगेंड पे दो डोनर एटम अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ट्रांस पोजिशन में नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे सिस पोजिशन में है ना। आगे चले हम लोग, अब इसमें करो ये वाले में, सर। यहाँ पे दिया हुआ है ए होल ट्वाइस, ए क्या है बाइडेंटेट सिमिट्रिकल लिगेंड, मान लो ये ई एन है ऐसे समझो है ना ठीक है, ई एन टू कॉपर दे दिया है ना, ये पॉसिबल है क्यों, क्यों पॉसिबल है क्योंकि अगर मान लो ये फर्स्ट लिगेंड का ए है तो ये सेकंड का है, ये फर्स्ट का है तो ये सेकंड का है, ए मीन्स दो ई एन लिगेंड दिए हुए दो, अगर ये ए है ए वन ये फर्स्ट का ए है तो ये किसका हो गया सेकेंड का हो जाएगा, सर ये सेकेंड का हो गया क्योंकि यहाँ पे दो ई एन है ना, मेटल ई एन ट्वाइस, इसका मतलब ये हुआ ई एन एक ई एन
और एक दूसरा ही है, समझ गया? तो इसका डोनर क्या हो गया, ए वन ए वन। इसका डोनर को मान लो आपने लिख दिया ए टू ए टू, ठीक है। ये तो एक दूसरे से ऑपोजिट जा सकते हैं ना, ये वाले, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं ना? समझ गए आप लोग? सर ईएन का डायग्राम हम जो बनाएंगे, ईएन का इथिलीन डायमाइन का, तो मैं उसका एक बार बना के दिखा दीजिएगा सर। वो तो आपको बस ऐसे दिखाना होगा, ईएन ऐसे बस, है ना? और ईएन ऐसे, ठीक है, बीच में ईएन लिख देना, डीएमजी होगा तो बीच में डीएमजी लगा दोगे ऐसे, ठीक है। बाई डेंटेट को डिनोट ऐसे करते हैं हम लोग, है ना? और सर ये डबल बॉन्ड बना रहा है ना तीनों तरफ। डबल बॉन्ड कहाँ है, ये रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग, ये डबल बॉन्ड नहीं है, डोनेट डोनेशन है, डबल बॉन्ड नहीं है, दो डोनर एटम है, डबल बॉन्ड मत बोलना, है ना? डबल बॉन्ड अलग चीज होता है, सिंगल बॉन्ड तो होगा ना सर, सिंगल ये दो डोनर है ऐसे। हाँ समझ गया। मतलब ईएन जो है इथिलीन डायमाइन वो दो बार डोनर डोनेट कर रहा है, मतलब फोर दो पेयर डोनर में। एटम होते हैं, ओके हाँ सर, दो डोनर एटम होते हैं ना, बाई डेंटेट लिगेंड है ना ये, इथाइलिन डायमीन बाई डेंटेट लिगेंड है, ओके सर। ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, इसमें क्रॉस कर दो, नॉट पॉसिबल, एक ही पेयर बन रहा है। इसमें आओ, इसमें आप लोग पेयर बताओ कितना डिफरेंट पेयर बनेंगे, बोलो, दो बनेगा या तीन बनेगा, दो बनेगा सर। नो वन सर, टू, क्या कोई बोल रहा है ये भी बनेगा, एनीवन कोई ये बोल रहा है ये भी बनेगा, नहीं सर, दो बनेंगे बस जो लिखे हैं नीचे अपने, येलो तो ये नहीं टू। बनेगा ना, ये पेयर पॉसिबल नहीं है, क्रॉस कर लेना आप लोग, है ना? यस सर, हाँ यस सर, ठीक ये है। नहीं पॉसिबल है, दो ही बनेंगे। तो दो बन रहा है, इसका मतलब आंसर टू, बस सिंपल। देखो कितना इजी हो रहा, इजी होना स्टार्ट हो गया अब। इसका पेयर बताओ, इसको सर थ्री लिख एक के, बात पूछना था कि अगर ऐसे सवाल आ जाए तो हमें 1 2 करके करना पड़ेगा जैसे आपने सॉल्व किया है। इसलिए नहीं, नहीं मैंने नहीं किया, मैंने आप लोग के लिए लिखा हूँ होगा सर। ओके सर, ये, कि आप कहीं बोलोगे सर आपने तो बोला था सेम लिगेंड नहीं होनी चाहिए, आपने क्यों करा, तो मैंने बता दिया कि ये अलग लिगेंड है, ये अलग है, ओके बाय द वे सर, दोनों सेम है बट अलग अलग तो यस है ना, सर। दो हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला था सेम लिगेंड जो होते हैं ट्रांस में नहीं होना चाहिए, आपने लिख दिया, कैसे पॉसिबल है सर? इसलिए वन टू किया मैंने, ओके ठीक है। ये ना सोचना कि यहाँ पे ये अलग है ये अलग है, नहीं है। ए बी क्या मतलब, यहाँ पे मान लो ऐसे देगा आपको कॉपर, मान लो डीएमजी दे दिया, डीएमजी ट्वाइस, ठीक है, और आपसे पूछते नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल 0 ज्योमेटिकल 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। और आप लोग को आइडिया भी हो गया कैसे ड्रॉ करते हैं सब, है ना? ठीक है, आगे चले हम लोग। यस अब इसका बताओ नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर कितना बनेगा, हाँ ये तो बता भी दिया मैंने, दो ही बनेगा, सर, हाँ टू, सर, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो टू। बनेगा और यहाँ पे थ्री लिख के क्रॉस कर देना आप लोग, ये नहीं कि इसको भी काउंट कर लेना, है ना? हाँ जी सर। नहीं तो बोलोगे सर आपने तो बताया था, ठीक है। देखो अब हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की तरफ, है ना? ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स, ऑक्ट्राइडल दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ठीक है। टेट्राइडल क्या कर रहा था, ऑप्टिकल, स्क्वायर प्लेनर क्या कर रहा था, ज्योमेट्रिकल, बट ऑप्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑक्ट्राइडल क्या करेगा, दोनों ज्योमेट्रिकल प्लस, हाँ क्या बोले सर, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का तरीका नहीं पता। मतलब साउंड ब्रेक हो रहा है सत्या, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर क्यों नहीं शो करता, ये पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑप्टिमल सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं ये नहीं पता। यहाँ अच्छा, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमिट्री से, है ना? ठीक है, जहाँ सिमिट्री आ गई वहां पे इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये तो पता है ना? ओके सर, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री ही चेक करेंगे हम लोग केवल, है ना? सिमिट्री नहीं होनी चाहिए,
सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए ना, अगर सिमेट्री होगा तो वो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा। अनसिमेट्री होना हाँ, चाहिए। किसी एक प्लेन में काट के देखोगे, अच्छा ऐसे काट रहे हो, बीबी है तो ये तो काट दोगे तो सुपर इम्पोज कर गया ना, ये प्लेन आ गया ना, इस प्लेन के अपोजिट क्या है, सिमेट्री आ गई। ए ए है, बीच से काट दिए, इसका मतलब सिमेट्री है, ठीक है यस सर। तो सर ठीक है। इसमें अच्छा दोनों का मिक्सचर होगा, जैसे ये सिमेट्री और सिमेट्री मिल के और कुछ बनाएंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं बनाएंगे। सर, जियोमेट्रिक आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर का हाँ दोनों मिलेंगे। कॉम्बिनेशन होगा ना, तो वो हाँ उसे यार क्या कहेंगे सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। देखो, ज्योमेट्रिकल अलग होगा, ऑप्टिकल अलग होगा, ठीक है। नहीं सर, यहाँ पे प्लस ज्योमेट्रिकल एक्टिव भी हो माइनस। सकते हैं, ज्योमेट्रिकल देखो ज्योमेट्री जो है इनएक्टिव भी हो सकते हैं, बट ऑप्टिकल जो होगा, ऑप्टिकल हमेशा कौन सा होंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल में हो सकता है कि वो क्या हो, इनएक्टिव हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो सकता है, बट वो ऑप्टिकली नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। यहाँ पे कितने पेयर आ रहे हैं बताओ, एम ए सिक्स है, एम ए सिक्स, एम ए सिक्स में कितने पेयर आ रहे हैं आप लोग के, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल तो जीरो होगा, जीरो हो गया, प्लस ऑप्टिकल, वो भी ऑप्टिकल जीरो होगा, वो भी जीरो जीरो होगा, तो टोटल कितने जीरो होंगे, टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना, ये क्या है, टोटल स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, जीरो हो गया। यस आप बताओ एम एम ए सर, फाइव बी फाइव दोबारा से बताइएगा। यहाँ पे कितना पेयर है, कितने पेयर बने, अगर अगर आपके पास एम ए सिक्स है तो कितने पेयर बना सकते हो डिफरेंट आप। सर तीन, तीन एम ए सिक्स में आप तीन डिफरेंट बना सकते हो क्या, नो सर, एक बनेगा सर। एक ही बनेगा ना, एक सेट ऑफ में एक ही बनेगा ना। सर हाँ बोलो, यस सर, एक ही बनेगा। किसी ने और कोई पूछ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो, नो डाउट, ठीक है। सेकंड वाले का बताओ कितना पेयर बनेगा, बोलो सेकंड वाले का क्या होगा, ठीक ज्योमेट्रिकल तो जीरो होगा फिर। है, पेयर एक आ रहा है ना। और एक चीज याद रखना, ऑप्टिकल चेक करने के लिए भी अगर ब्रैकेट के अंदर मोनोडेंटेड, हाँ मोनोडेंटेड में, अगर मोनोडेंटेड है, अगर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो यहाँ पे बताओ, ए फाइव है ना, ए फाइव बी है, मीन्स ए बी ए ए, तो को क्या मैं इसे सर ए, सर ये डॉट लाइन, हाँ बोलो, सर ये डॉट लाइन स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर क्या दर्शा रहा है सर डायग्राम में? ये डॉट तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं है यार। जैसे ये है ए, ए ये प्लेन है स्क्वायर, और कुछ नहीं है, ये स्क्वायर दिखा, ठीक है, यही तो है, ठीक यस सर, है। ये क्या ये दोनों पॉसिबल है, जीरो होगा ना सर टोटल तो, और हाँ तो क्या ये दोनों पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। क्या ये दोनों पेयर पॉसिबल है, वन एंड टू जो मैंने अभी जस्ट बनाया, डिफरेंस क्या इन दोनों में? सर वही पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंट है या सेम है, बोलो। सेम ही है सर, सेम ही है, सेम है सेम ना, है सर। दोनों सेम है, तो ऐसा मत बोलना है सर, यहाँ फर्स्ट में तो ए भी है और यहाँ पे ए डिफरेंट हो गया नो, इसको तो आप यहाँ पे भी तो लिख सकते हो, है ना। पोजीशन चेंज कर एक सकते ही होगा सर पेयर। हाँ ठीक है, ये तो पोजीशन का अप एंड डाउन है ना, ठीक है।
तो एक पेयर है तो जी आई तो होगा नहीं, जी आई क्या हो गया, नहीं होगा, जी आई जीरो, जी आई सर भी एक बात, यहाँ। जैसे कि ए के ट्रांस बी है, इसे हम आगे पीछे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं ना? हाँ मान लो कि आपने ए कर दिया, फिर ए कर दिया, लास्ट में भी कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, पेयर तो एक ही हुआ ना। ओके सर, आपको चेक क्या करना है, देखो वाई के लिए चेक क्या करते हैं, देखो जो ट्रिक है ब्रैकेट के अंदर ये भी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सेम सेम लिगेंड नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों भी अलग होना चाहिए, जैसे ए है अंदर भी सेम हो गया बाहर भी सेम हो गया, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वाई भी यहाँ पे जीरो हो गया, ऑप्टिकल भी जीरो होगा। ऑप्टिकल होने के लिए क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी अलग होना चाहिए और ब्रैकेट के बाहर दो जो है सेम नहीं होना चाहिए, अलग होने चाहिए, दो सेम नहीं होना चाहिए वाई के लिए, है अगर सर इसमें ना। सारे अलग होते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनता और ऑप्टिकल भी, ज्योमेट्रिकल नहीं बनता, ऑप्टिकल जरूर बनता ना सर? अरे क्यों, ज्योमेट्रिकल और सर क्यों नहीं ये बनेगा, तो अनसिमेट्रिकल है, डिस्टेंस कौन अफेयर है। सा अनसिमेट्रिकल कैसे है बताओ। सर अगर आप एम के अनसिमेट्रिक परपेंडिकुलर मतलब भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ऊपर तीन बार ए आ रहे, नीचे भी ए जा कहीं रहा। पे, हाँ, वो सही है, अगर ऐसे ही लिए तो कोई एक जगह भी अगर प्लेनर आ गया ना तो प्लेनर ही है, कहीं पे भी आ गया, हॉरिजेंटल आया, वर्टिकल आया, डायगोनली आया, कहीं पे आना चाहिए, अगर आ गया तो आ गया बस, ऐसे अनसिमेट्रिकल ऐसा नहीं है कि एक जगह आ रहा है एक जगह नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आ गया एक्स वाई एक्सिस में कहीं पे भी, तो क्या होगा, इनएक्टिव ही होगा, क्या होगा, इनएक्टिव। सर, जैसे सब अलग होगा इसमें से, सब अलग होगा तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सब है ऑप्टिकल तो होगा ही लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होगा ये बता दीजिए। उतार आएगा, लास्ट में आएगा, सब आने वाला है जीते, ये सभी क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि ये क्या है, इस टाइप के सर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे आप डायरेक्ट, अगर याद हो सेकंड गया, वाले नहीं, सेकंड वाले में मैंने ये बताया ना, अगर ऑप्टिकल चेक करना है, ऑप्टिकल के लिए आपको, ऑप्टिकल के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर भी जो ए है ए नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और दो ब्रैकेट, दो जो है ब्रैकेट वो भी अलग होना चाहिए, आगे एग्जांपल से समझ जाओगे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रैकेट के अंदर भी सेम नहीं होना चाहिए और दो ब्रैकेट भी सेम नहीं होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे तीन गो है ना, तीन एक पेयर में तीन लिए हो आप, तो तीनों जो है अलग होना चाहिए, तीनों अलग भी होना चाहिए और तीनों के अंदर भी अलग होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल होने के लिए सर। मोनोडेंटेड में, और कुछ कुछ ये फिगर कहीं कहीं कैसे एक्सेप्शन है, चलेगा सर अगर सिर्फ एक्सेप्शन डायग्राम आ जाए तो? सर कहाँ आ गया अगर सिर्फ पेपर बोलो। में डायग्राम दे रखा है और पूछा है इसमें ऑप्टिकल हाँ तो आइसोमर्स कितने, तो कैसे करेंगे? फिर तो वहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सर वो चेक कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना ये है फर्स्ट और ये सेकंड है ना, यस अगर आप इसको हॉरिज वर्टिकली कट कर दो इसको, तो वर्टिकली कट करोगे, ऐसे काट दिए, ऐसे काटोगे तो ये दोनों सिंपल इम्पोज कर जाएंगे ना एक दूसरे से, यस सर, वर्टिकली ऐसे काटो, ठीक यस सर। कि सर है ना, दूसरा वाला फिगर अनसिमेट्रिकल आ रहा है कैसे आ रहा है अनसिमेट्रिकल, ये ऐसे काट दो, सर, पहले वाला तो सिमेट्रिक है लेकिन सेकंड जो डायग्राम है वो अनसिमेट्रिक है। सर क्यों, वर्टिकली काट दो मीन्स हॉरिजॉन्टली काट लो इसको ऐसे,
नहीं सर, हॉरिजॉन्टली भी अलग अलग है ना, यार एक एलिमेंट चेंज हो गया। ए और बी सुपर इम्पोज कर जाएगा ना, ये ए और बी ऊपर है ऐसे, ए बी और बाकी सब स्क्वायर में प्लेनर में है, तो ऐसे काटोगे ऐसे तो ए बी क्या सुपर इम्पोज कर जाएंगे ना। मतलब सर कि बी भी सेम आ जा रहा है, हम हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं तो ये सिमेट्रिक है, ये सब चीजें। लेकिन हाँ सर बी और ए तो अलग हो जाएगा ना, हाँ हम उससे स्क्वायर क्या, प्लेन में देखें बी और ए अलग हो हाँ जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक तो प्लेन आ गया ना, ओके सर, एक सिमिट्री आया ना, एक ही चेक करना, अगर एक आ गया काम खत्म। कोई भी सा भी एक हाँ कोई है, एक्स में वाई में डायगोनली कहीं से भी आना चाहिए उसको, ठीक सर, ये है। सब सेकंड वाले में स्क्वायर के प्लेन के अलोंग काटा है ना। ठीक है, तीन सर ये सेकंड वाले में तीन भी कहाँ से आ गए? भी नहीं होगा, तीन भी नहीं है, ए आई है, तीन भी नहीं होगा, ठीक है, ए होगा है ना, ठीक है, ए फोर बी टू है ना, ठीक है। तो यहाँ से काटने के बजाय, ये तो दोनों सेम हो गया स्ट्रक्चर, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लो, यहाँ पे बी रहने दो, और आप क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे ए कर लो, ठीक है। फिर इसे भी आप कैसे काटोगे, ऐसे ही काट दो वर्टिकली, ठीक है ना, बी ए बी है ना, एक और स्ट्रक्चर नहीं बन सकता जहां पे दोनों भी पास में हो? दोनों बी पास में, दोनों बी पास में। देखो मान लो कि ये है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि दोनों बी पास में हो जाए, तो पहले दोनों बी पास में इस केस में शायद आ जाए, है ना, सेकेंड वाला केस कर रहे हैं हम लोग, इसमें तो नहीं आएगा, ट्रांस ही आएगा। सर स्क्रीन नहीं चल रही। फ्रीज हो गया क्या, यस सर। स्क्रीन फ्रीज है, ठीक नो सर। है। देखो अगर मान लो आपने यहाँ ए लिया, एक पॉजिटिव, बी बी आ गया है ना फर्स्ट, सेकेंड मान लो आपने यहाँ पे ए लिया, इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, बी, ठीक है, और क्या बचा, ए ए, तो ये ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो बी 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 आ गया ना यहाँ पे, ठीक यस है। सर। देखो इतना विजुलाइज करने से बजाय, अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गया कि ए फोर बी टू है, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल केवल क्या शो हो रहा है, ज्योमेट्रिकल, तो उससे आप आंसर फास्ट करोगे, ठीक है। और सर अब तो दूसरा वाला अनसिमेट्रिक होगा ना, कौन सा, जो दूसरा डायग्राम है इसमें। यस सर। नहीं, दूसरा डायग्राम सिमेट्रिकल दो नहीं, ये क्या है, ए फोर बी टू जो है यहाँ पे दो नहीं क्या होंगे, ऐसे देखो ना, जो मैंने ट्रिक आपको बताया था ना, कि अगर ब्रैकेट के अंदर सेम हो जाए, यहाँ पे सेम हो गया ना, ये अगर दो सेम हो जाए, या दो सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे दो सेम हो गए, नहीं सर, सेकंड केस की बात करें सर, उस वाले केस में। हाँ वहां पे भी दोनों ही क्या होंगे, इनएक्टिव है, देखो कैसे ये दोनों सेम हो गए, ट्रिक ट्रिक समझो, अगर ब्रैकेट के अंदर दो सेम हो गए, या दो दोनों दो दो सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ये दूसरे वाले को सिमेट्री से करके सर ये दिखाना। स्ट्रक्चर, हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं, वो भी होगा, एक सेकंड देख तो लो ट्रिक, आ रहे हैं, स्ट्रक्चर से होगा, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा, ये देखो ये और ये सेम है, दो सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है।
समझ रहे हो, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो मोस्टली 95-96% में आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। कुछ कुछ कहीं कहीं पे है जहाँ पे हम लोग स्टार मार्क से याद कर लेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड होंगे स्टीरियो आइसोमर से आप कर पाओगे, है ना। ठीक मतलब है, सर कि अगर जो सेम लगाना चाहिए तो उसका मतलब कि जो इनएक्टिव हो गया मतलब उसका जियोमेट्रिकल आइसोमर है सिमेट्रिक है हाँ वो। जी आई होगा, केवल ऑप्टिकल नहीं होगा, इनएक्टिव मीन्स ओ आई जीरो हो गया यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब टोटल यहाँ पे 2 हो गया। तो ये ट्रिक से चलोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर सेम हो गया मोनो, कहीं कहीं पे ये रूल जो है फेल करेगा, तो वहाँ पे चीज़ें ध्यान रखेंगे हम लोग, याद कर लेंगे ना, 2-3 जगह 4 जगह है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोस्टली आप इससे आप कर पाओगे। ठीक है, बोलो किसी को ओके डाउट है यहाँ पे। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम हो जाए या 2 ब्रैकेट सेम हो जाए तो ऑप्टिकल नहीं होता है ना। ठीक है गाइज, ये ट्रिक सभी लोग ध्यान रखना, ओके है ना। सर सर ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर बता दो। देखो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखो, मेन है कि आपको स्ट्रक्चर में, सर हाँ ये था सेकेंड का, एक अपोजिट ए होना चाहिए, ठीक है। एक अपोजिट आपने ए ले लिया, एक के अपोजिट बी, मान लो ये ए है और ये बी हो गया, ठीक है। फिर एक अपोजिट बी, तो यहाँ पे मान लो ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है ना। ठीक है, हेलो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आएगा ही, ठीक है ना। अगर आप इसे, अगर आप ऐसे काटो इसको, अगर ऐसे काटोगे, अभी तो नहीं बन रही सर समय। नहीं, सिमेट्री एक सेकेंड, अगर आपने इधर से काटा तो, इधर काटा तो ये दोनों बी के बीच में से दोनों बी बी के बीच में से सिमेट्री आएगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता, आना ही होगा उसको। अगर एक अपोजिट है, एक अपोजिट भी हो गया, सिमेट्री तो आएगा ही। अगर सिमेट्री नहीं आएगा तो फिर ये सेम नहीं होगा, सिमेट्री आना ही होगा इसको, ठीक है। अगर कोई है एक्स्ट्रा एक्सिस जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इधर से काटोगे तो, ये जैसे हो रहा था ना, ये तो मान लो बी बी ओपोजिट हो गया तो हो गया, अगर मान लो ये है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, किसी को दिख रहा है, क्योंकि सर ये तो शायद एनसीईआरटी में भी लिखा होगा कि उसका ट्रांस वाले की ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है M4B2 का। A4B2 का, हाँ एनसीईआरटी में शायद लिखा हो। A4B2 का
एक सेकेंड, ये क्या है ना, विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे काटो, अगर आप ऐसे काटोगे तो क्या होगा, ये और ये सुपर सुपर इम्पोज कर जाएगा ऐसे। ये जब ऐसे काटोगे आप, पूरा ऐसे कटना चाहिए, तो ये और ए और ये क्या क्या हो जाएगा, सुपर तो क्या इम्पोज है, कर किस जाएगा। तरह से मतलब डायगनली हम काटेंगे हाँ सर? हाँ ऐसे। नहीं तो वहां पे ए और दूसरी साइड बी बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं 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 ए और बी तो कट जाएगा, पूरा पूरा ऊपर से जाएगा ये। सर? एक बार बना के दिखाना, मैं नहीं आ रहा समझ। यस सर, ये थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है ये लोग, तो आपको देखो जैसे आपका है ना यहाँ पे, ये मेरे पास पेन, देखो स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर मतलब चार ऐसे होंगे, देखो एक सेकेंड रुकना। सही, ये दिख रहा है सबको है यस सर। ना, ये वो इधर। और एक सेकेंड, पहले स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सर ऊपर बना के दिखाइए, पिक्चर में नहीं आ रहा सर। एक सेकेंड, इधर दिख रहा है हाथ मेरा, वैसे ही होगा। एक सेकेंड, एक तो होगा स्क्वायर में, देखो ऐसे मैं बना रहा हूँ, 1 सेकंड। मान लो ये मेटल है, और एक बी जो था इधर था, ए जो था इधर था, और ये ए जो है इधर है, और ये एक ए जो है इधर है ना, ठीक है फाइन। और ये जो है, एक ए जो मैं डैश से बना रहा हूँ, ये ऊपर है, ठीक है। सर बी होगा ना उसके, ए के ट्रांस बी। सर हाँ, ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे मार बी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ए बन रहा है कैसा है, ऊपर है ए, और यहाँ हाँ पे जो बी आ रहा है वो कैसा है, नीचे है, ठीक है। और आपने काट दिया ऐसे, तो ये तो सुपर इम्पोज कर जाएगा ना एक दूसरे से, समझ गए। ऊपर से काट रहे हो ऐसे, ये एक ए है ऊपर, नीचे बी है ना, और आपने ऐसे काट दिया, तो जो इधर से होगा ये ए और बी, ये ए और ये तो सुपर इम्पोज कर जाएगा ना एक दूसरे से, अगर आपने ऐसे काट दिया, ठीक है। ये आपके तरफ एक, ये मेरे तरफ एक है ना, और आपने ऐसे काटा डायगोनली, तो ये ए और ये क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर जाएगा ना, ये सिमिट्री आ गया। सर, ए और बी भी सुपर इम्पोज कर जाएंगे ना? सर ए और बी जो कौन ऊपर सा, ऊपर रह गए वो उनका क्या नहीं मतलब? नहीं ऊपर 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 से काट रहे हो ना आप। ओह, ऊपर ऊपर से नहीं काट सर, रहे हो। नहीं सर, ये कह रहा हूँ सर मैं, जो ए और बी एक कट गया डायगोनली वाला है ना, और जो ऊपर वाला ए और बी बचा है वो क्या हो जाएंगे नहीं, सर? वो वो भी तो तो कट रहा है ना, वो भी तो कटेगा ना इसके साथ। अच्छा, आपको अगर ऐसे काटोगे तो ये कटेगा नहीं, नीचे भी तो कटता चला जाएगा ना ये। सर, तो दो ए बी पेयर है ना, एक ए बी के लॉन्ग काट लेंगे, एक कट जाएगा, दूसरा तो बच गया। हाँ सर, ये कह रहे हैं। अच्छा देखो देखो, वो भी तो कटेगा ना उसके साथ, ये है ना, आप दिखा आपको ऐसे ऐसी, यही है ना ए थोड़ा ऊपर करो। ए, हाँ ए ए बी, ए बी और नीचे बी, बोलो दिखा। यस सर सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ, सर, अब दिख रहा ए ए बी बी है ना, समझ रहे हो, इधर से आओ, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हम लोग काट कैसे रहे हैं, ये ऊपर नहीं ऐसे है, ठीक है।
ठीक है, 1 2 3 4, और हम लोग काट ही रहे हैं ऐसे डायगोनली, डायगोनली जाएगा तो बॉडी सेंटर को काटेगा ना वो, ऐसा थोड़ी है बॉडी सेंटर का वो काटेगा नहीं बाहर चल जाएगा, ऐसे थोड़ी काट रहा है, ऐसे काट रहे हैं पूरा, तो पूरा नीचे काटते हुए ये भी काट देगा, और जो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा ए, और ये हमारा ए जो होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये वाले ए और ये वाला ए सुपर इम्पोज कर जाएगा ना, ठीक है, ये जो काटोगे आप तो ये दोनों सुपर सुपर इम्पोज कर जाएगा, समझ गए, है ओके ना, ये 3D है, तो थोड़ा बड़ा कोशिश करना आप लोग, है ना, 3D, ठीक है, ओके ओके सर, मतलब हम डायगोनली काटेंगे तो सेंटर में जो एलिमेंट है वो भी कट जाएगा। हाँ, ओके सर समझ। डायगोनली काटोगे तो बॉडी सेंटर भी तो कटेगा ना वो, यस सर ऐसा थोड़ी है, डायगोनली डायगोनल जो है बॉडी सेंटर के अलोंग ही जाता है ना, यस सर ठीक है, आगे चले हम लोग, है ना, अब बताओ सेकेंड वाले में कितना पेयर पॉसिबल है, जो मैं ट्रिक बताया उससे आप करोगे ना तो मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कहीं नई ट्रिक काम करेगा तो उस केस में हम लोग याद कर लेंगे ना, चार पांच, ठीक है, सर, तो ये एनसीईआरटी में तो शायद कुछ उल्टा लिखा हुआ है, उसका क्या करें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सर? एक मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बट शायद MF4B2 मेसिस का उसमें लिखा हुआ है, वो ऑप्टिकल रिएक्टिव होता है। अच्छा ठीक है, आप ये करना व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट ठीक लेकर है, ऐसे ठीक, उसे आप व्हाट्सएप कर देना अभी, है ना, जैसे क्लास एंड होगा भेज देना, है ना, देख लेंगे हम लोग, है ना, ओके इसमें सर। आओ, A4BC, A4BC में बताओ कितना पेयर है, दो पेयर होंगे सर, टू है। टू है, दो पेयर है, सही है, तो दो तो कंफर्म हो गया हमारा, अब दोनों में क्या फर्स्ट पेयर ऑप्टिकल है, फर्स्ट पेयर ऑप्टिकल होगा, यस सर होगा। कैसे होगा, नो सर नहीं, नो सर, कट करेंगे तो ये दोनों ए ए और ए इम्पोज कर जाएंगे और सब जो बीच के एलिमेंट है वो हट जाएंगे ना। नहीं, उधर मत जाओ, उधर ध्यान ना दो स्ट्रक्चर पे, ये जो मैंने ट्रिक बताई, अगर दो सेम हो गया तो क्या ये ऑप्टिकल होगा, नो नहीं होगा, नो सर और इसके अंदर भी सेम हो गया है तो ये क्या होगा, नॉट एक्टिव, इनएक्टिव लिख लो, है, फर्स्ट पेयर क्या हो गया हमारा, इनएक्टिव, सेकंड पेयर चेक करो, सेकंड पेयर ऑप्टिकल है, सेकेंड पेयर में क्या दो नो सेम हो जाए या अंदर वाले सर सेम ना हो, नहीं, एक सेम है नो सर सर, अंदर तो दो वाला। सेम हो, सेम हो गया ना, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं सर ये भी नहीं होगा नहीं सर। होगा, ट्रिक से चलोगे तो गलती होने की चांसेस बहुत कम हो तो गए, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा, इनएक्टिव, तो वाई क्या होगा, जीरो, वाई हमारी जीरो हो गई, जी आई आपका आएगा टू, टोटल हो गया टू, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितना आएगा, टू आएगा, इसमें बताओ A3 B3 में कितने पेयर है आपके पास, कितने पेयर बनेंगे डिफरेंट, सर दो पेयर बनेंगे। सर अच्छा कौन सा पेयर ऑप्टिकल होगा इसमें दोनों में, दूसरा वाला दूसरा वाला ऑप्टिकल कोई होगा, भी नहीं होगा, नो कोई नहीं होगा, इनएक्टिव, होने क्योंकि दो सेम, तीनों सेम है सर तो ये इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या आएगा, जी आई टू, तो टोटल कितने हो गए, वाई क्या आएगा हमारा, जीरो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टू, ठीक है, नो हाँ बोलो, सर हाँ सर सर जो आपने वो डायग्राम में MER लिखा है उसका मतलब क्या है? मतलब ये आइसोमर का नाम है, वो जो फेशियल सर बोलते हैं, मेरिडियनल बोलते हैं,
ये नाम है सर, याद करने फेस पड़ेंगे ना तो। फेसियल और मेरिडोनल A3 B3 में आते हैं, ठीक है, याद रखना। और एक जगह और आएंगे, A3 B3 हो तो फेसियल और मेरिडोनल आते हैं, मेरिडियल, ठीक है, ओके फेसियल सर। एयर मेरिडोनल। सर कब तक क्लास चलेगी? बस बस ये जब तक एग्जाम्पल हो जाएंगे, है ना, बस एग्जाम्पल ही है, सब क्वेश्चन ही है, ये एग्जाम्पल ही है, समझो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कवर करना जरूरी है ना, नहीं तो फिर जो आप लोग को डाउट था अभी तक वही डाउट रह जाएगा फिर से, ठीक है ना। इसका बताओ कितने डिफरेंट पेयर बनेंगे, डिफरेंट पेयर बताओ इसका, सभी लोग ट्राई करो, तभी आपका जो है आइसोमर इजी होंगे आपके लिए, ठीक है। सभी लोग ट्राई करो, कितने इसमें भी तीनों कोई डिफरेंट, ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं होंगे? सर तो 3 पेयर बने ना, 1 2 3, तीन पेयर बन गए। इनएक्टिव है सर, यहाँ पे क्या है, तीनों क्या है, ऑप्टिकल ऑल आइसोमर्स इनएक्टिव, इनएक्टिव ऑल इनएक्टिव। तो जी आई कितने हो गए हमारे, 3। वाई कितने हो गए, 0। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 3, ठीक है। अब इसमें आओ, सर। ये ये जो ऑप्टिकल एक्टिव वाला है वो तो चलो हमको ट्रिक से पता लग जाता है, लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल वाले लिखने हैं ये हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी पेयर बना बना के। सर हाँ, अच्छा आप सोच रहे हो कि ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए जिससे हम बना लेनो, कोई फिर फॉर्मूला भी नहीं, सर उस समय एग्जाम पे बैठे हुए थे सब कुछ देखना। मतलब ऐसे नहीं, प्रोसेस। लिखना नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए ना, याद हो जाएगा, ये तो ज्यादा है नहीं, अभी अभी आपको लग रहा होगा ज्यादा, बहुत सारा जो है आप खुद ही ट्रिक बना लोगे। अच्छा ये आएगा, इसमें ये होता है, ये नहीं होता है। सर मतलब एट द एंड ऑफ द डे बस सारे एग्जांपल्स हम रट लेना। ठीक हाँ आप सही बोले हो तुम, है ना, एट द एंड अगर आपने ये कॉम्बिनेशन याद है, अच्छा ये है, इसमें हमको 4 मिलेगा, ये आपको याद है, बस मार दिया आंसर, है ना, ठीक है। अब बताओ A3 B C D है आपके पास, सर इसमें चार बनाओ बनाओ, सभी लोग ट्राई करो, पेयर बनाना जरूरी है, तभी जाके आपका जो आइसोमर अभी तक डाउट था, काफी बच्चे बोल रहे थे सर आइसोमर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अगर आपने पेयर बनाना सीख लिए तो ज्योमेटिकल गलती होगा ही नहीं कभी, ऑप्टिकल में कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा जो हम लोग याद कर लेंगे, 2 3 जगह है, ठीक है, सर। और ऑप्टिकल बाकी जगह हो भी आइसोमर्स जाएगा। पे इसमें एक है, ज्योमेट्रिकल तीन है। अच्छा यहाँ पे तो 4 पेयर हैं, ठीक है, तो अगर ऑप्टिकल नहीं हो रहे थे आंसर तो 4 हो जाएगा, सर बट अब हम चेक, ऑप्टिकल है सर, आखिरी का ऑप्टिकल बन रहा है। सर हाँ सर आखिरी का प्लान है, आखिरी ठीक है, का मैं ये लगता सर ऑप्टिकल है लास्ट फर्स्ट वाला नहीं बन रहा है, इनएक्टिव, सर सेकेंड नहीं इनएक्टिव, बन रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी इनएक्टिव, चौथा सर एक्टिव है। चौथा क्या हो गया हमारा, एक्टिव हो गया, क्यों, ए बी अलग है, ए एक्टिव सी भी अलग है और ए डी भी अलग है, और दोनों एक दूसरे से अलग भी है, हाँ जी सर, तो ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव। ये सर सर ये वाला ये विदाउट, सर ये जो आपने बताया ये चौथा वाला ये पूरा, इसमें से ये विदाउट ट्रिक से एक बार बता दीजिएगा विदाउट ट्रिक। विदाउट ट्रिक, विदाउट ट्रिक मतलब कैसे, कि ये तो फिर विजुलाइज करना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर, हाँ सर स्ट्रक्चर से यही पूछ रहा हूँ। स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर से विजुलाइज करने से पहले देखो, फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, है ना, इसका अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी यहाँ पे इनएक्टिव हो रहा है, ए के जाओ आप स्ट्रक्चर पे, ज्यादा आप लोग एग्जाम में फोकस मत करना, ट्रिक से ही चलना, ठीक है। ए के अपोजिट ए जा रहा है, फिर ए के अपोजिट हमारी बी गई और सी के अपोजिट आपका डी चला गया, ठीक है ना। जैसे अब आपको पता करना होगा कौन सा ऐसा है जहां सर सिमेट्री इसे आएगा, भी अब हम डायगोनली कट करेंगे जो हाँ ए ए तो सी ये आप लोग बताना जाएगा। कि ऐसे आपको चेक ही करना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। ओके सर, सर ये पूछ रहा था कि कैसे बनाएंगे कि पहले जैसे ही केस होगा इसलिए। ये आपको बना के चेक करना ही पड़ेगा,
कौन सा कहाँ पे सिमिट्री आ रहा है। इससे बेटर है कि आप जो है ना इनएक्टिव करके जो ट्री के ट्रिक से चलोगे जल्दी होगा, है ना, क्योंकि ये 3D विजुलाइजेशन है और 3D विजुलाइजेशन के लिए आपको 3D चाहिए भी कुछ ना, जहाँ पे आपको पता चले दिखे कि हो सर रहा है। उसके नाम नाम जो सर होंगे वो भी क्या होंगे, मतलब नाम भी अलग हो जाएंगे फिर तो, जो किसके इन सारे के स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उनके नाम भी सर अलग अलग हो जाएंगे ना, ये कह रहा हूँ सर। हाँ नाम नाम आएंगे, अलग अलग आएंगे, सर ठीक है। पहले का नाम क्या होगा? पहले का नाम ये डिपेंड करेगा ना कौन सा यूज किया हो आप। सर जैसे अगर सिस ट्रांस, वो नाम तो ऐसे कोई पूछेगा नहीं। वैसे तो देखो एक्टिव में तो डी और एल यूज करना, ठीक है। अगर ये एक्टिव है तो यहाँ पे दो आइसोमर बनेगा, कौन कौन से, डी एंड एल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, फोर वन टू फाइव थ्री, थ्री प्लस ये दो, 1 × 2 टोटल फाइव कितने होंगे, फाइव। फाइव हमारे आंसर। टू क्या है हमारा, डी और एल। टू हमारा क्या है, याद रखना डी और एल, डेक्स्टर और लियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख लो, जी ऑप्टिकल जो थे वहां पे क्या किया था हम लोगों ने, वन वन इंटू टू किया था ना, याद रखना है, ठीक है। ओके तो टोटल फाइव आएंगे यहाँ पे। तो आपसे पूछा जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ, अगर आपको याद है थ्री बी सी डी में टोटल फाइव होते हैं, बस हो गया आंसर, डन। ऐसे करना यस होगा आपको, है ना। जैसे आपके पास ये आ गया ए टू बी टू सी टू, इसका डिफरेंट पेयर कितना बनेगा, सभी लोग बताना ए टू बी टू सी टू का डिफरेंट पेयर। टोटल 7 स्टीरियोआइसोमर हो जाएंगे सर। सर वन टू फोर थ्री फोर, इनएक्टिव है सर, फोर इन, यस सिक्स यस ग्रेट। फोर, 1 2 4 क्या है, ये पूरे इनएक्टिव है। लास्ट वाला एक्टिव लास्ट वाला क्या हो गया हमारा, एक्टिव। एक्टिव तो आंसर कितने होंगे, 4 + 1 × 2 कितने हो गए, सिक्स। सिक्स सिक्स क्या है हमारा, टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर, याद रखना, है ना। फिर इसमें आओ ए टू बी टू सी सी डी, तो याद रखना यहाँ पे, सर क्योंकि आपने 1 × 2 क्यों किया? सर यहाँ पे एक्टिव है ना, एक्टिव दो शो करेगा ना, डी और एल। डेक्स्ट डेक्सट्रो लियो रोटेटरी, हाँ, जो भी एक्टिव होगा ना उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपके पास ये है ए ए टू बी टू सी डी, और ये आप लोग बताना है कि आज सबका 6 डिफरेंट पेयर आ रहा है, ये पेयर है 9 6, ये 9। सभी लोग ट्राई करके बताना कल क्लास में कि क्या सबका 6 पेयर आ रहा है कि नहीं, पेयर इसका 9 आ रहा है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पेयर में क्या था, ओके 4 इनएक्टिव आएगा, 2 एक्टिव आएगा, तो टोटल आपका 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए टू बी सी डी ई, ये होमवर्क के ध्यान रखना, अगर आप ये दोनों आपसे बन गया तो समझ जाओ कि आप प्रो हो गए स्टीरियो लास्ट आइसोमर में। वाला भी दे दीजिएगा, जो 15 जो लिखा है नीचे लास्ट हाँ वाला। जैसे ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 15 आएगा टोटल, टोटल 15 आएगा, और टोटल ही एक्टिव होंगे यहाँ पे, तब 15 × 30। तो ये तीनों ट्राई करना आप लोग, कि आप लोग किसी 15 पेयर बन रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों बन गया आपसे तो आपसे स्टीरियो आइसोमर में कभी गलती नहीं करोगे आप लोग, चांसेस बहुत ओके लो हो जाएंगे, है ना। ये तो हो गया मोनोडेंटेट। अब आते हैं बाईडेंटेट के केस में, ठीक है। तो बाईडेंटेट में कहीं कहीं देखो मोन, सर हाँ बोलो, बच चुके हैं, इस पर टाइम हो गया। हाँ बस बस ज्यादा नहीं है, बस 2 मिनट, 2 मिनट गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज ये मिस हो गया, ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट बस, 2 मिनट, ओके, ओनली 2 मिनट, ठीक है। देखो तो बाई डेंटेट में कहीं कहीं आपको क्या है ना, याद करना पड़ेगा, ट्रिक काम नहीं करेगा बाई डेंटेट में, जो मोनो में हर जगह काम करेगा, मोनो में दिक्कत नहीं है हम लोगों को, है ना, बाई में दिक्कत आएगी कहीं कहीं पे, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी फोर है, ए बी फोर है ना, तो आप लोग ये बताओ इसका नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, डिफरेंट पेयर,
एक ही बनेगा ना, बोलो सर ये क्या है, मोस्ट यस हंटेड सर है, तो ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ये। इसमें बताओ, ए बी थ्री सी, नंबर ऑफ पेयर कितना बोल रहा है, पेयर बताओ। सर मोनोडेंटेड आपने कहा, ये मैं समझा नहीं। सर मोनोडेंटेड मतलब एक डोनर एटम हो, तो वहां पे ट्रिक काम करेगा फुल्ली, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी कंप्लीट किया हम लोगों ने ए बी सी डी एफ तक, इसमें ट्रिक काम कर रहा है ना पूरा, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब जहां बाई डेंटेड आएगा वहां पे कहीं कहीं पे काम नहीं करेगा, वो सर केस कि में। बाइडेंटेड मतलब बाइडेंटेड के साथ मोनोडेंटेड बन गया तो वहां पे ट्रिक फॉलो नहीं होगी। अरे कहीं कहीं नहीं होगी, बाकी समय होगी, कहीं कहीं पे जहां पे तो सर मैं ऊपर स्टार मार्क, वाले में आपने बोला नहीं होगा, ये थोड़ा सा एक बार ये तो ऐसे ही सेम हो गया ना, ये तो ऐसे ही दो सेम है, ऐसे भी नहीं होगा। ओके और एक ही पेयर बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है तो वैसे भी जीआई नहीं होगा, और दो सेम भी हो गए तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं है ना। एक्सेप्शन मीन्स हमारे ट्रिक का एक्सेप्शन, सर मतलब ठीक है। इसके जीरो होते हैं ना सर जिसमें हाँ जीरो, क्रॉसिंग है। क्रॉस का मतलब जीरो, यस सर जीरो, ठीक है। इसके बताओ, ए बी थ्री सी, ए थ्री बी थ्री सी में आपके कितने डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, दो सर दो ठीक है। तो दो बन गए, इसका मतलब जीआई तो एटलीस्ट होगा ना, कम से कम कुछ हो ना हो जीआई तो होगा। ये तो हो गया, क्या वाई होगा, वाई बी वाई होगा, देखो ए बी सेम हो गया, नो नहीं इनएक्टिव। प्रैक्टिकल नहीं होगा सर। यहाँ अपनी ट्रिक, आपने पहले डायग्राम में इनएक्टिव जो है पहला डायग्राम उसमें हमने सिमेट्रिक रूप से काटा है ना हॉरिजॉन्टली, तो वो बी और ए सर पहला डायग्राम जो फर्स्ट केस लिया है आपने, ये वाला नहीं सर नीचे वाला जो आप बता रहे इनएक्टिव हाँ, यहाँ ठीक है, यहाँ से काटोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा ये, बोलो। सर, लेकिन बी और ए सी कट जाएगा ना, निकल जाएगा वो। हाँ तो ऊपर से काट रहे हो ना आप, नहीं सर हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं। हॉरिजेंटल काट रहे, ऐसे काट रहे हो ना आप, ऐसे काटोगे तो बी और सी खत्म हो जाएंगे, ओके सर ये बचेंगे। इसमें बताओ, ये देखो बी बी सेम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। अभी तक ट्रिक काम करेगा हर जगह है ना, तीन चार जगह है जहाँ काम नहीं करेगा है ना, इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमिट्री आ रहा होगा, तो यहाँ पे केवल टोटल कितना हो गया, दो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टू, ठीक है। इसमें बताओ, सर। स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स को बोलते हैं। हाँ स्टीरियो आइसोमर दोनों का सम होगा, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल, ठीक है। स्टीरियो ओके पूछ, हाँ तो ज्योमेट्री में हम गिन रहे हैं और वो ऑप्टिक भी है, तो फिर उसको ज्योमेट्री में तो नहीं गिनेंगे ना टोटल बनाते बताते हुए। हाँ तो इसी, हाँ इसीलिए तो हम लोग जब काउंट करें, ध्यान दियो आप यहाँ पे, हाँ हाँ सर वो मैंने अभी ध्यान दिया तभी ये पूछ रहा था। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग वहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ये था ना, तो चार कर रहे थे ना हम लोग, तो वैसे तो पांच करना चाहिए था, हाँ मैंने तभी 7 बोला था, फिर आपने 6 करा दिया देखा। समझ गए ना, हाँ वो सर आप वो सही है, सात पांच ही होगा, बट दो बार एक ही को काउंट करते रहोगे आप, काउंट हो जाएगा अपने आप। तो टोटल बताना, तो जो ज्योमेट्रिकल में आ गए तो फिर उसको ज्योमेट्रिकल में ना गिनो, वो ऑप्टिकल में गिन चुके अपन। हाँ हाँ अब क्योंकि डी और एल आ रहा है ना, कोई तो एक, ठीक है ठीक यस है, ये हो गया। हाँ ये बताओ, फास्ट है ना, क्या ये पेयर सही है, और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, करेगा भी नहीं करेगा। तीन पेयर है तो कम से एटलीस्ट तीन तो कंफर्म हुआ, तीन से चार होगा, चार से छह होगा, दूसरे वाला यस ये नहीं करेगा, इनएक्टिव। ये भी क्या है हमारा, इनएक्टिव, ये हमारा एक्टिव, करेगा एक्टिव होगा तो क्या शो करेगा, डी एंड एल एंड है ना, टू तो वन टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल बताओ। फोर यस सर टू चार प्लस वन इंटू टू सर फोर, ठीक है। ये बताओ, ये सभी एग्जांपल है, इससे बाहर कोई नहीं पूछनेगा आपसे, या ध्यान ध्यान रखना,
ये स्ट्रीम है, एडवांस लेवल तक चल रहे हो अभी आप, तो मेंस में तो ऐसे ही उड़ा दोगे। ठीक है, इससे बाहर कोई नहीं पूछने वाला है, ध्यान रखना। अगर ये एग्जाम्पल क्लास के बाद भी सभी लोगों ने ट्राई कर लिया तो आइसोमर जो आपको डाउट आ रहा था अब तक, सभी डाउट गैप हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ कितने डिफरेंट पेयर बनेंगे यहाँ पे। हाँ सर तीन बोलो, तीन। बनेंगे सर, सर दो बनेंगे इनएक्टिव और दो बनेंगे एक्टिव। सर वाह ग्रेट, हाँ चीते ने सही जवाब दिया। कितने बन रहे हैं ये दो, दोनों, क्या हो गए इनएक्टिव। ये सर फर्स्ट सेकंड इनएक्टिव और थर्ड फोर्थ एक्टिव। टोटल ओ सर मैंने देखा नहीं लास्ट। ठीक है, तो कितने टोटल हो जाएंगे हमारे। छह हो जाएंगे, छह हो यस, टू जाएंगे, सिक्स प्लस जाएंगे टू सर, इंटू टू टू, सो हाँ फोर सिक्स। प्लस सर ठीक है ना, वो सीसी में देख नहीं पाया था इसमें। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो समझ जाओ कि अब आपको कभी गलती नहीं होगा स्टीरियो आइसोमर में। ठीक है, देखो यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, अब आ गया ना स्टार मार्क, ध्यान रखना। A2 B2 आएगा उस केस में, ध्यान रखना ये हमारा जो सेकेंड हो जाता है ये एक्टिव हो जाता है, याद रखना। आप यहाँ पे हमारी ट्रिक फेल कर जाएगी। ठीक है, हमारी ट्रिक फेल कर रही क्योंकि ए बी अभी सेम हो गया। ठीक है, और ये सर ये देख के वाला एक बार कंफ्यूज, दोबारा बता दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपने बताया। ये ए ए ट्वाइस बी टू है ना, है ना। यस सर, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रिक से चले तो ये तो इनएक्टिव हो, सही है, ये इनएक्टिव है, यस सर, बट ये एक्टिव हो जाता है। ट्रिक से चलेंगे तो देखोगे अरे ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। ठीक है, बट ये से है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वन का है, ये वन टू क्यों लिखा पता है ना आपको, क्यों लिखा हूँ मैं। हाँ जी सर, ये सर, पहचानने के लिए कि हम ये वन है ये टू। हाँ, डिफरेंट है दूसरे का और ये दूसरे का। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कुछ लिखवा दिया कुछ, ये वन वन है तो ये टू टू है। ठीक है, तो ये मान लो वन टू, ये वन होगा ये टू होगा। ठीक है, वैसे भी ये क्या है, डिफरेंट ही है, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रिक काम करेगा ही, है ना। ठीक है, फिर भी मैं स्टार मार्क इसलिए किया हूँ सो डेट बाकी बच्चे और कोई नहीं देखा वन टू याद ना हो, फिर भी आप लोग स्टार मार्क कर लेना, याद रखना इसे। ठीक है, सर टोटल वैसे लेकिन सर बन जाएंगे इसके। लेकिन ये तो समझ नहीं आने की, ए भी आपने बोला एक्सेप्शन है, ये कैसे एक्सेप्शन है, ट्रिक से तो इनएक्टिव हो रहा नहीं है नहीं लेकिन एक्सेप्शन, इसलिए एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन तो यहाँ पे वर्ड एक्सेप्शन नहीं होता है। सर ट्रिक से एक्सेप्शन है ना। नहीं, ट्रिक से भी एक्सेप्शन इसलिए मैंने बोला क्योंकि मान लो कि अगर आपने वन टू यूज नहीं किया तो सर इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार कर दिया, क्योंकि आपने जल्दी में ये कर दिया, ए बी कर दिया, ए बी भी, ये देखोगे अरे ये तो सेम है, तो आप बोलोगे यही तो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसा एक आएगा जहाँ पे जो है वो काम नहीं करेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो टोटल कितना आएगा हमारा, तीन आएंगे सर, फिर हाँ वन थ्री प्लस आएगा वन सर, इन टू। थ्री। वाह ग्रेट, इसका मतलब आप लोग जो है समझ में आ रहा है, इसका मतलब है ना थ्री आ रहा है। ठीक है, ये बताओ ये सभी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ही है, ये ना सोचो कि ये क्या है, सभी क्वेश्चन है और इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा, ये भी जान जाओ आप। ठीक है, ए डबल ए बी सी है, इसमें डिफरेंट पेयर क्या बनेंगे। बोलो, दो बन जाएंगे तो इसमें एक्टिव कौन होगा। सर। ठीक है, सेकंड क्या हो गया हमारा एक्टिव, ये क्या हो गया हमारा इनएक्टिव, इनएक्टिव टोटल कितना हो गया, सर, वन दूसरे में इंटू टू, एक्टिव कैसे हुआ ये बता दीजिए। 1 + 2 = 3। वो तो ट्रिक से भी एक्टिव हो रहा है। सर ट्रिक से तो अंदर वाले एलिमेंट सेम है ना। कहाँ से है? ओ, मैंने सर बोला था ना, मैंने जस्ट बोला था चीते कि आप लोग गलती करोगे,
तो यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि अलग है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हूँ फिर भी बोल रहे हो सर ये तो सेम है। अब बताओ अभी गलती हो जा रहा है ना, इसीलिए ध्यान रखना इस चीज़ है, इसलिए मैंने स्टार मार्क मारा हूँ है ना इसमें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो सेम है लेकिन सेम वो होगा नहीं। ठीक है, 1 2 1 अलग है ना तीनों, एक्टिव हो गया ये टोटल 3। ठीक है, अब इसमें बताओ ये भी स्टार मार के ध्यान रखना इसको भी, बोलो इसमें कितने बनेंगे, ए बी है तो ए बी का मतलब बताओ, ए बी कितने पेयर आ रहे हैं डिफरेंट, ये 1 1 है, ये ए टू है। ठीक है बोलो, सर दो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, ये 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1, हाँ 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, 1 1 ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब बताओ कितने एक्टिव है कितने इनएक्टिव है, बोलो। सर पहला दूसरा इनएक्टिव है। सर यस, क्या ये हमारे इनएक्टिव, बाकी सब। एक्टिव अब तो 1 2 3 भी लिख दिया मैंने, एक्टिव सभी क्या है यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, ये दोनों जो है इनएक्टिव, ये सभी चारों के तीनों क्या है एक्टिव है, तो टोटल कितने हो जाए, 2 प्लस 3 इंटू 2 कितने हो गए, 2 प्लस 6 8, तो हमारा एटीन। आंसर क्या आ जाए 8। ठीक है ना, ये ध्यान रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, 1 2 ये बस ध्यान रखना, 8 थ्राइस आएगा तो ज्योमेटिकल शो नहीं होता है, ऑप्टिकल शो होगा। ठीक है, इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, याद रखना, सो ऑप्टिकल आइसोमर। जाएगा सर। हाँ, ये जो है डजन शो ज्योमेटिकल आइसोमर। ठीक है, आंसर 2 होगा इसका। ठीक है, क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है सिस ट्रांस टोटल जो है नहीं हो पाता है यहाँ पे। ठीक है, सेम ग्रुप है ना, सेम ग्रुप आगे हो पीछे हो दाएं हो बाएं हो तो ज्योमेटिकल थोड़ी होगा। ठीक है, हम वन वन माने और थ्री थ्री माने, तो एक ही पेयर बन रहा है तो 0 हो जाएगा वो, है ना सर। हम और फिर वो जो है ऑप्टिकल आइसोमर कि वो बन रहा है, अलग अलग है सारे, लेकिन अलग तो नहीं है यहाँ सारे, वन वन है, एक को वन वन मानेंगे तो अलग कैसे होगा। देखो देखो, हमको पता था इसमें बहुत डाउट आता है, ए है ना, ये हुआ, इसको इसको 1 मानो 1 जीते, इसीलिए तो स्टार मारा हूँ ना मैं, मुझे पता था ना आप लोगों को डाउट आएगा जरूर। 1 1 2 2 3 3 है ना। ठीक यस है ना, देखो अब आप लोग ये बता, दिख रहा है ना सबको, हैंग कर रहा था, दिख रहा है ना सबको, सर, यस सर, बस बस ये लास्ट चल रहा है, देखो लव लास्ट है बस, ध्यान से सभी लोग, 1 1 है तो यहाँ पे 1 हुआ मान लो, ये 2 हो गया अपना। ठीक है ना अंशित, सर, मान लो ये 1 हो गया तो इसे 3 डाल दो, यस सर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अलग हुआ, अलग ओके हो गया। सर, ठीक है, वैसे अगर ध्यान दो तो हमारी ट्रिक जो फेल नहीं करेगी, बट फिर भी जो है हम लोगों ने 1 2 3 करोगे तब फेल नहीं होगा, अगर आपने केवल नंबरिंग देख के ऐसे करके कर दोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। ठीक यस सर, है, ये इसमें कितना होगा नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर, ये लास्ट है हमारा, इसी के साथ वन ऑफ स्टीरियो आइसोमर कंप्लीट, इसका क्या होगा बताओ। हाँ, मैंने बताया था ना एक जगह और आएगा मेरिडनल और फेशियल, यहाँ पे ए बी होल 3 में आएगा। ठीक है,
टोटल डिफरेंट पेयर कितना आ रहा है आपका? टू आप लोग ट्राई कर रहे हो ना, 2 ही आ रहा है ना सबका? फोर? होगा नहीं, पेयर बताओ, पेयर, डिफरेंट पेयर, वही इम्पोर्टेंट है, पहले पेयर पता करना है हमको, पेयर सर दो है ठीक है? टोटल सर। ये क्या, ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं बताओ? एक्टिव है सर, बोथ बोथ एक्टिव है एक्टिव, सर। अरे समझ याद नहीं, आएगा, तो फोर होगा सर, बोथ आर एक्टिव। दोनों एक्टिव है। हाँ सर, हरा, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4 है ना सर? आज बहुत दूर पहुंच गए। हाँ बस ये लास्ट है, खत्म। अगर इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो क्या करोगे, कैसे, जैसे हमारा ट्रिक था ना क्या, ए बी, ए बी ऐसे लिख लो, और ए बी यहाँ पे कर लो आप लोग। तो सर डिफरेंट डिफरेंट पेयर कर देंगे मतलब। हाँ 1 1 2 2, अगर किसी को डाउट आ रहा होगा कैसे हो रहा है, बस कर दो। मान लो यहाँ पे, मान लो 1, इसको मान लो आपने 2 ले लिया, इसको 1 माना, इसको 3 कर दिया, 2 3 2 माना, इसको 3 कर दिया, बस इसको फिर इंटरचेंज कर दो इधर उधर आगे पीछे करके, है ना? यस जैसे यहाँ सर, पे क्योंकि 1 था तो ये 2 कर दो, 2 कर दो। सर मेन बात थी दो साथ में नहीं आने चाहिए, तो क्योंकि दो डिफरेंट ही हाँ आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, ओके गाइज। तो हम लोग का जितने पॉसिबल क्वेश्चन है स्टूडियो आइसोमर पे हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना? ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर सर थोड़ा ऑल। सा हम लोग नीचे कर दीजिए फिगर, ये जो लास्ट का है। और एक चीज बता दे रहा हूँ, बस ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछ दे क्या ये भी जानते हो तो आप बोलना हाँ मैं जानता हूँ, EDTA अगर हो, EDTA EDTA अगर दिया हो आपको तो ये क्या होता है, एक्टिव होता है, बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बस ये ध्यान रखना सर। जहाँ भी दे, बस जहाँ अगर पे भी डीटीए 4- हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है या फिर पर्टिकुलर इसे मेटल के साथ। नहीं EDTA होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही है, मतलब सर कि ये ऑलवेज एक्टिव होगा, तो इसका टोटल जो होगा टू मतलब होगा, 2 होगा। ओके ठीक है, सर, मतलब ओके, क्योंकि डीटीए है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ बस ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 होगा बस, ठीक है फाइन। काफी टफ क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया, तो एडवांस लेवल तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। सो सर हाँ अमित बोलो डाउट। अच्छा ओहो, अमित का भी डाउट है ना, वो तो है अमित, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तो अमित ये ये करोगे आप, ये कल जो है आप कल पूछ लो, है ना? काफी लेट हो गया है ना, फिर ओके ठीक है? तो ये व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेजो एक बार, ठीक है अमित? ओके हाँ ठीक, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, अभी भेज दो, ठीक है, ओके गुड गाइस। नाइट सो सर। लेट, गुड नाइट गाइस, और रिवाइज कर लेना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे DNA ब्लॉक, उसका कुछ नोट्स भेज दूंगा आपको, सब लोग पढ़ के आना, है ना? सही, नोट्स भेज दीजिएगा ये वाला। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और बाय सर, गुड नाइट। जिसको डाउट था आइसोमेरिज्म, अब डाउट नहीं है ना, अब तो सभी चीजें इजी हो गई होंगी आपके लिए, है ना? ठीक है गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर। ओके सर।